प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन या फिर प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अभी तक हमने क्या किया था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली फेंकते थे और प्रोजेक्टाइल सीधा नीचे गिरता था। अभी हम क्या करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करेंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का मतलब है यहां से प्रोजेक्टाइल को फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ वी एट एन एंगल ऑफ थीटा और सीधा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे हिट करेगा। तो ये वी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। और ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, ये इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में। क्लियर है यहां तक? तो इसमें हमने प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंका, इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, एंगुलर प्रोजेक्शन, कि एंगल पे फेंका और यहां पर आके वो गिरा। अब इसमें क्या नोट करने वाली चीज है कि जब प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां गिरा तो मैंने v वॉज द इनिशियल वेलोसिटी जिससे कि उसको फेंका गया था। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लिए, v cos थीटा, v sin थीटा। प्रोजेक्टाइल ने हाइट अटेन की, यहां पर उसकी हाइट मैक्सिमम हो चुकी है, उसके बाद हाइट बढ़ने की बजाय कम होनी स्टार्ट हो जाए। तो पहले हाइट बढ़ी, मैक्सिमम हुई और फिर कम 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 होती गई। क्लियर है यहां तक? तो इस हाइट को क्या नाम देते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो खास नाम है इसका, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल यहां से चला, उसको कुछ समय लगा यहां से यहां आने में, और वो समय क्या है, T1। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कितना टाइम प्रोजेक्टाइल लेगा प्रोजेक्टाइल यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट पे आने के लिए, टाइम टेकन इज इक्वल टू व्हाट, T1। फिर प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आएगा ग्राउंड पे, तो इस टाइम को क्या बोलते हैं, जब टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे प्रोजेक्टाइल गिरता है, टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक हो गया मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। क्लियर है यहां तक? जमीन पे, ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आर। जमीनी डिस्टेंस है, ग्राउंड का डिस्टेंस है, तो ग्राउंड का डिस्टेंस कितना है, आर। तो ग्राउंड के डिस्टेंस को हम प्रोजेक्टाइल भी हमेशा क्या नाम देते हैं, रेंज। तो इसमें मेरे ख्याल से चीजें याद हो गई आपको, तो इसमें HM का मतलब मैक्सिमम हाइट, R का मतलब रेंज, T1 का मतलब टाइम ऑफ एसेंट, T2 का मतलब टाइम ऑफ डिसेंट, और कितनी देर प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, यहां से लेके यहां तक वो हवा में रहा, इसको बोलते हैं टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 प्लस T2 को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। तो कैपिटल T का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नाम याद हो गए, क्लियर है यहां तक? ठीक है, ठीक। तो इसमें जो टाइम ऑफ एसेंट है T1 और जो टाइम ऑफ डिसेंट है T2, मैं प्रूव कर दूंगा कि टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये बराबर होता है। हम क्या करेंगे, अब हम हर इस टॉपिक का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे कि एक्सप्रेशन मैक्सिमम हाइट का क्या होगा, रेंज का क्या होगा, T1 का क्या होगा, T2 का क्या होगा, कैपिटल T का क्या होगा, ये आज हमारा काम है। ठीक है यहां तक? तो सबसे पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट।